तो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल, जैसे कि नाम से आपको पता होगा, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल मीन्स केमिकल एनर्जी और केमिकल रिएक्शन। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? एक डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी या फिर आप बोल सकते हो केमिकल रिएक्शंस को क्या करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी और केमिकल रिएक्शंस जो है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। या फिर आप सिंपली बोल सकते हो इलेक्ट्रिक करंट में। सो अगर डेफिनेशन आया क्वेश्चन, सो अगर क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मान लो अगर पूछेगा एग्जाम में डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी और केमिकल रिएक्शंस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी। समझ आया? यह है डेफिनेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इलेक्ट्रोकेमिकल्स मींस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा ड्यू टू केमिकल्स, केमिकल रिएक्शन। अब हम समझते हैं इसका एग्जांपल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है क्या, वो है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल मोस्ट कॉमनली जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को यूज करते हैं वो है गैल्वेनिक सेल। आप देखोगे ज्यादा आपके लैब में भी आपको देखने को मिलेगा, आप प्रैक्टिकल के लिए जाओगे तो आप जरूर से पूछना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल है कि नहीं। श्योर, खासकर फिजिक्स लैब में। भले ही टॉपिक केमिस्ट्री का है लेकिन ये मेनली मिलता है फिजिक्स लैब। गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें हम सबसे कॉमनली यूज करते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है जिंक कॉपर सल्फेट का कॉम्बिनेशन, जिंक एंड कॉपर सल्फेट का कॉम्बिनेशन होता है किसमें, गैल्वेनिक सेल में। सो मोस्ट कॉमनली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सा है, वो है गैल्वेनिक सेल जिसमें क्या कॉम्बिनेशन होता है, एक इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड, जिंक, और एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? अब समझते हैं गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन और गैल्वेनिक सेल का वर्किंग। पहले समझेंगे कंस्ट्रक्शन, कैसे हम उसे कंस्ट्रक्ट करोगे, सेट करोगे, और फिर हम समझेंगे वो वर्क कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। ऑलराइट, सबसे पहले देखते हैं गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। सो यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां पर हम दो बीकर लेंगे। मान लीजिए ये दो बीकर है, ठीक। एक बीकर में हम लेंगे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, इस बीकर में हम लेंगे जिंक सल्फेट 1 mm, 1 molarity का ZnSO4 जिंक सल्फेट सॉल्यूशन हम लेंगे, 1 molarity का जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ZnSO4 सॉल्यूशन लेंगे। जबकि दूसरा जो बीकर है उसमें हम क्या लेंगे, उसमें हम लेंगे सेम कंसेंट्रेशन, सेम molarity का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो क्या करना है हमको, दो बीकर लेना है,
ठीक है, बीकर कैसा होना चाहिए, बीकर का जो मटेरियल है वो इंसुलेटर टाइप होना चाहिए, जैसे कि हम यहां पर कॉमनली लेते हैं ग्लास का। एक में हम लेंगे 1 molarity जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जबकि हम दूसरा में लेंगे 1 molarity कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब क्या लेना है, जिस मेटल का आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसी मेटल का आपको क्या लेना है, अब इलेक्ट्रोड लेना है। तो जैसे कि आपने क्या लिया है, जिंक सल्फेट, यहां मेटल क्या है जिंक, तो यहां पर जो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे वो भी क्या होगा, वो भी होगा जिंक इलेक्ट्रोड, उसको आपको इसमें डिप कर देना है। ये रॉड कौन सा रॉड है, ये रॉड है जिंक रॉड। जैसा कि हमने यहां पर क्या लिया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, तो यहां पर हम जो इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे वो कौन सा रॉड होगा, वो होगा कॉपर रॉड, वो होगा कॉपर रॉड, कॉपर रॉड। यहां तक क्लियर, हमने बीकर लिया 1 molarity सेम कंसेंट्रेशन का, सेम मोलरिटी का, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लिया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और जिस इलेक्ट्रोलाइट को हमने लिया है इसमें जो मेटल कैटायन प्रेजेंट है वही सेम कैटायन, रेस्पेक्टिव कैटायन हम लेंगे उसका रॉड में। अब क्या करना है, दोनों रॉड को क्या करना है, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर से आप क्या करोगे, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर से आप उनको कनेक्ट करोगे, और बीच में आप रखोगे क्या, बीच में आप रखोगे वोल्ट मीटर, चाहो तो वोल्ट मीटर, एमीटर चाहो तो एमीटर। मींस आपको डिटेक्ट करना है हमारा सेटअप से करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको डिटेक्ट करना है। एम मीटर रखो, वोल्ट मीटर रखो, डिफ्लेक्शन होगा, मींस हमको देखना है हमारे करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। सो ये हो गया, अभी भी क्या हमारा सेटअप रेडी है, लगाओ फिजिक्स का दिमाग, देख के लग रहा है सेटअप रेडी है, सर्किट पूरा कंप्लीट है नहीं, इन दोनों में तो हमने कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं किया ना, पूरा तो कंप्लीट सर्किट तो नहीं किया हमने, कनेक्शन नहीं किया। सो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे एक इन्वर्टेड ग्लास का ट्यूब, एक इन्वर्टेड ग्लास का ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर में क्या है, इस ट्यूब के अंदर में है एक इलेक्ट्रोलाइट, इस ट्यूब के अंदर में है एक इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रोलाइट KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट हो सकता है, वो इलेक्ट्रोलाइट NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है, वो इलेक्ट्रोलाइट KCl पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है। और ये जो हमने उल्टा शेप का जो ग्लास ट्यूब यू शेप जो हमने कनेक्ट किया है जिसके अंदर में एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, इस ट्यूब का, इस ग्लास ट्यूब का नाम है स्टूडेंट्स सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। जैसे कि पुल होता है, ब्रिज दो साइड में उसका सपोर्ट होता है, बीच से वो ऐसा रहता है, तो ये भी क्या करना है, एक तरह से ब्रिज के शेप में है। इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में सॉल्ट है, किस तरह का सॉल्ट है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट है इसके अंदर में, जिसका मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब आपका सेटअप रेडी है वर्किंग करने के लिए, नाउ योर सेटअप इज रेडी टू वर्क। समझ में आया, ये है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखो, अब हम आते हैं वर्किंग के ऊपर, वर्किंग क्या होगा, वर्किंग में तो हमने दो इलेक्ट्रोड लिया है, एक हमने लिया है जिंक, एक हमने लिया है कॉपर, बिकॉज स्टूडेंट्स जिंक जो है, जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है, जिंक जो है, जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कॉपर से क्या है, कम है, कम है, तो क्या होगा, जिंक अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसका मतलब सिंपली अगर बोला जाए तो जिंक क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, जिंक जो है अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर, अब देखो क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, मतलब कोई ना कोई जरूर है जो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब कॉपर क्या करेगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जिंक, जिंक में क्या होगा, जिंक में होगा ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ जिस रॉड में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसको कौन सा रॉड बोलते हैं,
उसको हम बोलते हैं, मैंने बताया था आपको एनऑक्स, यानी कि ऑक्सीडेशन कहां होगा, एनोड में होगा। इसका मतलब क्योंकि यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जिंक में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसको हम बोलते यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होता है, जिस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होता है, तो एक ट्रिक मैंने आपको बताया था, याद रखोगे एनऑक्स, एनऑक्स का मतलब हो गया एनऑक्स, मतलब जहां पर ऑक्सीडेशन होगा उस रोड को हम बोलेंगे एनोड, उस रोड को हम बोलेंगे एनोड। और जब ये एनोड है तो पक्का वो क्या होगा, वो होगा कैथोड, ये होगा कैथोड। सो यहां पर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन, जिसे हम बोलते हैं रिडक्शन, इसे हम बोलेंगे रिडक्शन। सो बिकॉज, फिर से बता रहा हूं, बिकॉज जिंक, जिंक का जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कॉपर से कम है, मींस ये क्या करेगा, इजिली अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो यहां पर होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, जबकि यहां पर होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस रिडक्शन। और जिस रॉड में, जिस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, जबकि जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड। क्योंकि जिंक में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंक में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है इसके अंदर में क्या हो जाएगा, जो जिंक आयन है उसका कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर में क्या लिया है हमने, कॉपर सल्फेट, यहां पर जो कॉपर सल्फेट, कॉपर का जो आयन है उसका, उसका जो कंसेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जिंक में क्या हो रहा है, जिंक में हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस हमारा जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वो कहां से फ्लो करेगा, फ्रॉम जिंक टू कॉपर, हमारा जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा फ्रॉम जिंक टू कॉपर, तो इसको हम बोलेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस कहां हो रहा है, जिंक में, इसीलिए यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा किधर, इधर में गेन हो रहा है, तो यहां से होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, मींस व्हाट, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस क्या होगा, यहां पर आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, मींस मीटर जो है वो हिलेगा, मींस कुछ ना कुछ करंट यहां पर जरूर प्रोड्यूस हुआ है। नॉर्मली इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1.5 वोल्ट, जो हम यूज करते हैं पेंसिल बैटरी घड़ी में यूज करते हैं वो भी 1.5 वोल्ट का होता है, तो ये 1.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब देखो क्योंकि यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इस पार्ट को हम बोलेंगे, इस पार्ट को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इस पार्ट को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जहां पर क्या होता है, जहां पर हमारा इलेक्ट्रोड क्या है, जिंक है, तो देखो जिंक, जिंक पहले सॉलिड स्टेट में था, जिंक पहले सॉलिड स्टेट में था, लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन को वो लॉस कर रहा है, मींस क्या हो रहा है, जिंक अब बन जा रहा है, उसे हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। तो वहां पर हमने क्या लिया है, कॉपर लिया है, तो अब देखो ठीक इसका उल्टा होगा, कॉपर पहले क्या था, सॉल्यूशन में आयन में था, जो कॉपर था, कॉपर था वो पहले क्या था, आयन में था, कॉपर पहले आयन में था, जो इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर रहा है उसी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, और चेंज हो जाएगा कॉपर सॉलिड, तो जो पहले सॉलिड था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से चेंज हो गया आयन में, तो जो, और जो पहले आयन था जो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस किया उसको गेन करके चेंज हो गया वापस कॉपर सॉलिड में। तो आप पाओगे इस पॉइंट पे क्या होगा, आप देखोगे कॉपर भी डिपॉजिट होगा, इस पॉइंट पे कॉपर भी डिपॉजिट होगा, क्यों, क्योंकि आयन के अंदर जो कॉपर है, कॉपर सल्फेट, वो कॉपर वहां पर डिपॉजिट हो रहा है। इस तरीका से वर्क करता है हमारा गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक लास्ट और एक चीज,
सॉल्ट ब्रिज हम क्यों यूज करते हैं? सॉल्ट ब्रिज यूज करने का मतलब क्या है, क्यों यूज किया जाता है? सॉल्ट ब्रिज के अंदर में क्या है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो इसके अंदर में KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 जो डिसोसिएट होगा, आयोनाइज होगा और क्या देगा हमको, K+ NO3-। अब आप देखो यहां पर आपने ध्यान दिया होगा, आयंस एक जगह पर आयंस कम और बढ़ रहा है, एक जगह पर आयंस कम हो रहा है। तो ये जो है इनर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, आयन का इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, आयन का इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। कैसे, देखो यहां पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज ज्यादा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मतलब क्या, यहां पर माइनस चार्ज ज्यादा है तो पोटेशियम नाइट्रेट क्या करेगा, अपना के प्लस को यहां भेजेगा उसको इक्वल करने के लिए। यहां पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस इसके अंदर में जो आयन था माइनस चार्ज प्लस चार्ज था वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है मींस ये पोटेशियम नाइट्रेट NO3- जो है उसको वहां पर भेजेगा उसको इक्विलिब्रियम करने के लिए। तो सॉल्ट ब्रिज नॉट ओनली कंप्लीट द सर्किट, इट आल्सो मेंटेन द इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू इलेक्ट्रोलाइट्स, इन दो इलेक्ट्रोलाइट के बीच में इक्विलिब्रियम को भी, चार्ज को भी वो मेंटेन करता है। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल।